नमस्कार, टेस्टी फूड विद रिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे कुरकुरे, जो कि बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। हम आज पोहे से कुरकुरे बनाकर तैयार करेंगे। कुरकुरे कई तरीके से बनाए जाते हैं, जैसे कि चावल के आटे से कुरकुरे बनाए जाते हैं, लेकिन पोहे से बनाए हुए कुरकुरे खाने में बहुत ही टेस्टी और करारे बनते हैं। तो चलिए कुरकुरे बनाना शुरू करते हैं। कुरकुरे बनाने के लिए हमने ये एक कटोरी पोहा लिया है और इन पोहों को हम मिक्सी में डालकर ग्राइंड करेंगे, यानी कि पोहों का आटा बनाएंगे। ये पोहा हमने पीस लिया है और इनको कटोरी में निकाल लेते हैं। एक कटोरी पोहा था जब इसको हमने आटा बनाया है, तो यह आधा कटोरी बनकर हमारा तैयार हुआ है। अब इसको हम आटा लगाने के लिए मिक्स करेंगे। ये हमने एक चौथाई छोटी कटोरी बेसन लिया है और ये आधा कटोरी हमारा पोहे का आटा है। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और पैन को गरम होने रखते हैं। ये पैन को हमने गरम होने रख दिया है। अब इसमें हम जिस कटोरी से हमने पोहा नापा था, उसी कटोरी से नाप कर एक कटोरी पानी डालेंगे और आधा छोटी चम्मच हम इसमें नमक डालेंगे। नमक को अच्छी तरीके से मिला देंगे और पानी को थोड़ा गरम होने देंगे। ये पानी हमारा गरम हो गया है। अब इसमें हम अपना आटा मिला देंगे और इसे धीरे धीरे चलाते रहेंगे। इसको चलाते रहेंगे और गैस को बिल्कुल लो कर लेंगे। ये अच्छा सॉफ्ट डो बनकर हमारा तैयार हो जाएगा। डो हमारा अच्छा गाढ़ा हो गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे दूसरी प्लेट में निकाल लेंगे। इस डो को हम अच्छा ठंडा होने देंगे और इसे हमने करीब 2 से 2.5 मिनट ही पकाया है। अब ये ठंडा हो जाएगा, तब इसका एक सॉफ्ट आटा हम गूंथ लेंगे। ये डो हमारा अच्छा ठंडा हो गया है। अब इसको हम थोड़ा एक छोटी चम्मच तेल डालकर सॉफ्ट डो करके तैयार कर लेते हैं। ये डो हमारा तैयार हो गया है। अब इसको 2 मिनट तक रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। आटे को हमारे 2 मिनट हो गए हैं। अब इसमें से हम छोटी छोटी लोइयां लेके गोल करके इनको कुरकुरे की शेप देते हुए लंबा होने तक इस तरीके से बनाकर रख लेंगे। धीरे धीरे करके हम सारे कुरकुरे बना लेते हैं। ये कुरकुरे बनकर हमारे सारे तैयार हो गए हैं। इनको फ्राई करने के लिए हम पैन को गर्म होने रख देते हैं। ये पैन को हमने गर्म होने रख दिया है। अब इसमें हम डालेंगे फ्राई करने के लिए तेल। तेल को अच्छा गर्म होने देते हैं। ये तेल हमारा अच्छा गर्म हो गया है। अब गैस को हम मीडियम कर देंगे और इसमें हम अपने कुरकुरे फ्राई होने डालेंगे। मीडियम आंच पर इन्हें हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। ये कुरकुरे हमारे अच्छे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब इनको हम निकाल लेते हैं और इसी तरीके से हम सारे कुरकुरे फ्राई कर लेंगे। ये कुरकुरे हमारे हमने सारे फ्राई कर लिए हैं। कुरकुरे बनाते समय हमें इसमें बेसन का यूज करते हैं,
इससे कुरकुरों का फ्लेवर बहुत ही क्रिस्पी आता है। ध्यान रखें कि कुरकुरे हम चावल के आटे से भी बना सकते हैं, पोहे से भी बना सकते हैं, लेकिन पोहे से बने कुरकुरे ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। ये कुरकुरे बनकर हमारे तैयार हो गए हैं। अब इसमें हम थोड़ी सी लाल मिर्ची मिला देंगे, क्योंकि हमने इसमें बनाते टाइम सिर्फ नमक का यूज किया था। और अगर आपके पास चाट मसाला है तो थोड़ा सा चाट मसाला मिलाकर हम इन्हें सर्व करेंगे। कुरकुरे खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो आप अपने घर पर कुरकुरे बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।